राजगढ़ जिला निधि के निवेदता नहीं, जिला संरक्षण के बाद भी शहर का परीक्षण किया, जिसके दौरान कलेक्टर ने यहां पर अव्यवस्थाएं गंदगी को देखते हुए एसडीएम तहसीलदार और सीएमओ की हिदायत लेते हुए कहा कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ करके दिखाए। कलेक्टर के निधि निवेदता के साथ शहर में नगर पालिका को लेकर यहाँ पर मात्र छाए और गुड़ चौराहे पीपल चौराहे के साथ ही निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान एक कलेक्टर और कमलेश के दुकान पर ही पार्किंग करने वाले नाराजगी जताई है, जिसके बाद ही आपूता सुठैलिया रोड पहुंची है। गंदगी और अतिक्रमण को देखते हुए एसडीएम रमेश पांडे ने कहा, ना कोई नोटिस ना कोई मोहल्ला के साथ ही ना कोई नेता ना ही कोई माफिया, अभी भी जेसीबी लाकर अतिक्रमण तोड़ो। इसके दौरान कलेक्टर ने एसडीएम से कहा कि अभी तक क्या कर रहे थे। प्राइम बेकिंग न्यूज शानी के लिए आप देख सकते हैं मुकेश सक्सेना की खास रिपोर्ट राजगढ़ मध्य प्रदेश से। हमने नाता झगड़ा दुर्घटना के खिलाफ जो एक नाता झगड़ा मुख्य राजगढ़ अभियान छेड़ा है, उसके संबंध में आज सभी जो हमने नाता झगड़ा एक्शन फोर्स बनाई है उसका एक ओरिएंटेशन था, साथ ही सभी समाज के जो लोग थे उन सभी के साथ में एक उनको भी साथ लेकर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो हमारा और सभी समाज के लोग इस कुप्रथा के विरोध में आए, इसके लिए उनका एक ओरिएंटेशन भी था। और साथ ही जो हमारे रेड क्रॉस जूनियर रेड क्रॉस के बच्चियां हैं उनको इस कैंपेन से जोड़ने के लिए हर प्रत्येक स्कूल में भी हम ये अभियान जो है छेड़ेंगे, उन दोनों का ओरिएंटेशन था। इसके साथ साथ जो ब्यावरा शहर में जो राजगढ़ शहर में एक अभियान चल रहा है कि शहर का अपने और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है कि हमको सभी जगह को माफिया मुक्त करना है, तो इस तरीके से जो भी स्वच्छता संरक्षण के संबंध में और अन्य अतिक्रमण विरोधी बॉडी चल रही है उसके संबंध में भी आज ब्यावरा शहर एपी रोड पे आपके निर्देश के बाद भी कुछ कब्जे बचे हैं, क्या माने हम इनको कि वो भी टूटेंगे इसके बाद? जो भी हमने नियमानुसार आदेश पारित किया है उसका कंप्लायंस जो है एसडीएम को करने के लिए। सुठैलिया रोड इज वेरी कंजेस्टेड टू ऑल ओवर सिटी, सो क्या आगे की स्ट्रेटेजी है इसे लेकर आपकी? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये पूरा जो मार्केट एरिया है या ब्यावरा शहर क्योंकि बहुत ही कमर्शियली वाइबल कमर्शियली एक्टिव वाइब्रेंट शहर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेज ऑफ राजगढ़ ज़्यादा है, तो इनको एक प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था की आवश्यकता है और कई ऐसे जगह है जहाँ पर काफ़ी न्यूजेंस है विद रिस्पेक्ट टू कंजेशन, तो उसको लेकर के पीपल चौराहे और ये जो ब्यावरा मार्केट है इन सभी जगह पे कार्रवाई तत्काल आरंभ की जा रही है। साफ सफाई की भी जो क्लीनिंग की व्यवस्था है उसको भी और सुदृढ़ करने के संबंधी भी सीएमओ और एसडीएम दोनों को। यहाँ की जनता कंफ्यूज रहती है हमेशा कि एक दो दिन ही ऐसी चीज़ें होती है फिर कंटिन्यूस नहीं हो पाती, तो क्या अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है? यहाँ पर लगातार ये कार्रवाई चल रही है, ये उतनी ज़्यादा मजबूती से हो सकता है अभी नहीं हुई हो लेकिन पूरी मजबूती के साथ भी किया जाएगा, पर यहाँ पर कोई एक दो दिन कार्रवाई नहीं होती है। पिछले लगातार एक महीने से 15 दिन से जो है हम लगातार इसको फोटोग्राफ्स के माध्यम से रिव्यू कर रहे हैं और जो चीज़ें ऑलरेडी लोगों की आदत में आ चुकी है उसमें सुधार आने में थोड़ा सा समय लगेगा। नगर पालिका का अमला और राजस्व विभाग का जो अमला है वो पूरी तरीके से भले ही अभी एक्शन में ना आया हो लेकिन अब ये लोग एक्शन में आएंगे और राजगढ़ की तरह ब्यावरा शहर भी उतना ही सुंदर और सुव्यवस्थित बनेगा। इसमें सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि सभी लोग इस कार्य में सहयोग करें, सबको थोड़ा बहुत जो है कठिनाई अभी उठानी पड़ सकती है बट इन द लॉन्ग टर्म ये सभी ब्यावरा के वासियों के हित में हो। थैंक यू। मैम रात को 2 बजे का आपने समय दिया है कार्रवाई का, क्या अभी लगातार ये टीम जो है कुछ कार्रवाई जो है अभी लगातार करेंगी ताकि एक बार जो मोमेंटम बिल्ड हो जाता है उस मोमेंटम में काम करना आसान रहता है। तो अभी नगर पालिका की टीम जो है जैसे ही 10 बजे शायद कमर्शियल स्पेसेस बंद होते हैं उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे और एसडीएम साहब जो है अतिक्रमण जो है इस मार्केट कोई नोटिस वोटिस की प्रक्रिया तो नहीं है? जैसे मैंने कहा राजेश, इट इज नॉट 1.4 दैट आई कैन गिव ऑल द आंसर्स हियर, ऑल रूल्स विल बी फॉलोड। ओके ठीक है, ओके मैम, श्योर, द सिटी विल बी ब्रॉट टू द स्टेट। ओके श्योर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन